टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओशा कॉम्प्लेक्स, ईवेस चौराहा, मेरठ। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ के फेमस आनंद हॉस्पिटल में और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर पुनीत कालरा। डॉक्टर पुनीत कालरा मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं और 14 सालों से आनंद हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। सो डॉक्टर कालरा, फर्स्ट राइट टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। पहले तो मैं सारे अपने दर्शकों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। मैं डॉक्टर पुनीत कालरा जो कि कंसल्टेंट मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ और आनंद हॉस्पिटल में, और पिछले 14 साल से मैं आनंद हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ, और जिसके अंदर मेरा काम मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में बेसिकली हम जितने भी मरीज होते हैं जिनका चेहरा टूट जाता है एक्सीडेंट में या आपसी लड़ाई में, या मुंह का कैंसर जिनको हो, मुंह की रसौली हो, जिनका मुंह नहीं खुलता हो, हम बेसिकली उनका इलाज करते हैं। और तकरीबन 6,000 से ऊपर मैंने अब तक जितने मरीज थे जिनका एक्सीडेंट में चेहरा टूट गया था उनका सफल यहाँ पर उपचार किया है। अच्छा, जिन जिन का आपने उपचार किया है उनके रिव्यूज भी आते होंगे, किस किस तरह की उनकी प्रतिक्रियाएं आती हैं और आपको क्या फील होता है उस टाइम? काफ़ी मरीज हमारे कार्य से खुश हैं। शुरू शुरू में ये ब्रांच इतनी डेवलप नहीं थी तो उससे पहले पता नहीं होता था मरीज को कि कहाँ जाना है, तो उसका बड़ा अभाव था। पिछले 20-25 सालों में ये ब्रांच डेवलप हुई और 15 साल से ऑलमोस्ट, या कह दें 14 साल से, तो मैं ही आनंद हॉस्पिटल में ऐसे मरीजों का उपचार कर रहा हूँ। और हमने देखा कि मरीज काफ़ी अब खुश हैं और पहले जैसा ही वो अपना खाना पीना खा सकते हैं, और चेहरे की सुंदरता भी उनकी 70-80% एक्सीडेंट से पहले जैसी थी, हमने वो पेशेंट को दिया। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ मेरठ से ही आते हैं पेशेंट या फिर कहाँ, कहीं बाहर से भी, कहाँ कहाँ से यहाँ पर पेशेंट आते हैं? मेरठ शुरुआत से ही एक आसपास के 100 किलोमीटर के दायरे में देखा जाए तो सबसे बड़ा मेडिकल हब है, सबसे बड़ा ड्रेनेज एरिया है। हमारे यहाँ मुख्यतः अगर हम देखें मरीज बिजनौर से, नजीबाबाद, गढ़ से, आपके बड़ोत, बागपत, हापुड़, आप कह सकते हैं मतलब 100 किलोमीटर की रेंज से हमारे पास मरीज आते हैं। अच्छा डॉक्टर पुनीत, ये जो TM जॉइंट डिसऑर्डर्स बीमारियाँ होती हैं, किस तरह की बीमारियाँ होती हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने मुझसे पूछा। एक्चुअली मैं आजकल कोई मतलब TM जॉइंट के बारे में इतनी बात करता नहीं है। मैं अगर कहूँ तो हमारे शरीर का या हमारे शरीर का ये एक ऐसा जोड़ है जो सबसे ज़्यादा अब तक अनदेखा है। इसके ऐसे मरीज हैं जो कि जिनको पता ही नहीं है कि उनको जाना कहाँ है। पिछले कुछ सालों में हमने TM जॉइंट पर थोड़ा ध्यान फोकस किया। पहले तो आपको बताऊँ TM जॉइंट क्या होता है। TM जॉइंट हमारे मुंह का जोड़ है, जैसे कि आप जानते हैं घुटना होता है, हाथ के जोड़ होते हैं, वैसे ही TM जॉइंट होता है जो कि आप देखेंगे आपके कान के पास होता है। जब आप मुंह खोलते हैं तो आप उसको फील कर सकते हैं, ये मुंह का जोड़ होता है। और इसकी जो लक्षण होते हैं, इस बीमारी के लक्षण होते हैं, जनरली मरीज होते हैं उनको कान में कटकट की आवाज़ आना या कान के पास दर्द होना। तो जनरली हमने देखा मरीज शुरुआती दौर पर जब कान में दर्द होता है तो वो कान के डॉक्टर के पास, जिन्हें हम ENT सर्जन कहते हैं, या ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास चले जाते थे। तो काफ़ी दिन तक वो दवाइयाँ खाई और जब कोई उपचार नहीं हो पाया ढंग से तो फिर वो डेंटिस्ट के पास गए। बेसिकली इनका इलाज मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास होता है और हम इसका बहुत विभिन्न तरीके से हम इनके एक्सरे करते हैं और दूसरी तरीकों से इनका हम प्रॉपर इलाज करते हैं। क्यों लगा कि उनको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए इस बीमारी के लिए? एक्चुअली में इस जोड़ की बीमारियों का किसी को इतना अनुभव नहीं है, तो डेंटिस्ट, क्योंकि जितने भी मुंह की बीमारियां होती हैं, मुंह का दर्द होता है, वो कान के पास पहुंचता है, या ये कह दो कि TM जॉइंट को इफ़ेक्ट करता है, तो इसीलिए उनको डेंटिस्ट के पास ही आना होता है। जैसे किसी के मुंह में दांत नहीं है तो वो एक तरफ से खाना बंद कर देगा, तो जिससे जोड़ पर जोर पड़ता है और जोड़ की बीमारी उत्पन्न होती है। या फिर ये बोल सकते हैं कि लोगों को TM जॉइंट जो बीमारियां होती हैं इनके बारे में थोड़ी कम नॉलेज है, इसकी वजह से वो डेंटिस्ट के पास जाना पसंद करते हैं। ये नहीं कहेंगे हम, अवेयरनेस कम थी इसकी वजह से वो पहले इधर उधर जाते थे। सही अवेयरनेस होने पर और सही उपचार मिलने पर ही वो डेंटिस्ट के पास या मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास जाना शुरू हो। अच्छा, मेरठ में इसका जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल है? मेरठ में बिल्कुल पॉसिबल है। हम आनंद हॉस्पिटल में
कई पेशेंट के जोड़ की सफाई करते हैं, जिसको हम आर्थ्रोसेंटेसिस बोलते हैं, जिसका हम बकायदा अंदर मेडिसिन डाल के जोड़ में उसकी सफाई करते हैं, उसके अंदर लुब्रिकेंट का इंजेक्शन भी डालते हैं। और अब रिसेंटली TM जॉइंट की रिप्लेसमेंट मेरठ में और आनंद हॉस्पिटल में पॉसिबल है। मेरठ में और कौन कौन से हॉस्पिटल हैं जो जहां पर इसका इलाज हो सकता है? मेरी नज़र में अभी मुझे कोई हॉस्पिटल का इतना नहीं पता। हम महीने में 3 या 4 ऐसे मरीज का मैं रेगुलर बेसिस पर मैं उपचार कर रहा हूँ, जिनके हम आर्थोसेंटेसिस करते हैं, जिनकी हमने स्माइल डिजाइनिंग करी और हमने बीमारी का पता लगाया। इस बीमारी का मुख्यतः कारण कई बार स्ट्रेस भी है। आप देखते हैं बच्चों के एग्ज़ाम आए और रात को नींद कम पूरी हुई तो उनकी क्लेंचिंग बढ़ जाती है, उनका जोड़ पर ज़्यादा जोर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनको जॉइंट की प्रॉब्लम होती है। तो जब उनको पता चला कि इसका भी इलाज है, हमने नाइट गार्ड दिए, हमने उनको सॉफ्ट डाइट पर रखा, उनको सिकाई करवाई, जिससे 90% पेशेंट बिना किसी सर्जरी से ही ठीक हो गए। अच्छा, ये कह सकते हैं कि TM जॉइंट के बारे में लोग अवेयर नहीं थे, इसलिए डेंटिस्ट के पास जाते थे। बिल्कुल, आप कह सकते हैं TM जॉइंट के बारे में बहुत से डॉक्टर भी अवेयर नहीं थे। जनता अच्छा, की बात तो मैं बाद में करूंगा। अच्छा, पर पिछले कुछ सालों के अंदर इस जोड़ पर काफी रिसर्च करी गई, क्योंकि ये डेंटिस्ट का एक प्रमुख एरिया आता है और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की एक प्रमुख ब्रांच है। तो क्योंकि हम इस जोड़ से डील करते हैं तो हमें इसके बारे में पता था, हमने थोड़ा सा अवेयरनेस करी, तो अब मरीजों को पता है कि उनको कहाँ जाना है और किससे मिलना है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। सो मैक्सिलोफेशियल सर्जन के बारे में तो आप जान ही चुके हैं और TM जॉइंट डिसऑर्डर्स क्या होता है ये भी आप जान ही चुके हैं। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार। फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।